नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी गुरु आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम नमस्कार एमपी में एक बार फिर से मैं सृष्टिका प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष लेकर यह कार्यक्रम। और जैसे कि हमारे कार्यक्रम की परंपरा है कि सबसे पहले आपको तिथि बताते हैं, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सभी को आज की तिथि से अवगत कराकर। विक्रम संवत 2079 माह है माघ और आज है माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। तारीख है 25 जनवरी और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। और बढ़ते हैं आगे और चलते हैं, पलटते हैं पन्ने इतिहास के और देखते हैं कि साल के इस पहले महीने के 25वें दिन में क्या घटनाएं घटी थी बीते हुए कल में। तो चलिए चलते हैं हम आज के सेगमेंट इतिहास की ओर। सन 1579 में डच गणराज्य की स्थापना हुई थी। सन 1831 में पोलैंड के संसद ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 1839 में चिली में भूकंप से 10,000 लोगों की मौत हुई थी। सन 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इसलिए साल 2011 से इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आयोग देश में निष्पक्ष रूप से चुनाव कार्य को संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी है। भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मतदाताओं के पंजीकरण में वृद्धि करना और विशेषकर युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करना है। सन 1959 में ब्रिटेन ने पूर्व जर्मनी से व्यापार समझौता किया था। 1971 में हिमाचल प्रदेश को भारत गणराज्य का 18वां पूर्ण राज्य घोषित किया था। यह भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी शिमला है। और दर्शकों, जो हिमाचल प्रदेश है इसका शाब्दिक अर्थ बर्फीली पहाड़ों का प्रांत है। इसे देवभूमि भी कहा जाता है। सन 1980 में प्रसिद्ध समाज सेवी मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन जरूरतमंदों की मदद के लिए समर्पित कर दिया था। सन 1980 में नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि प्रदान करने का सिलसिला फिर से शुरू किया गया था। सन 2002 में भारतीय वायुसेना ने पहले एयर मार्शल अर्जुन सिंह को दिया था। 2015 में मिस कोलंबिया पोलिना वेगा साल 2014 की मिस यूनिवर्स बनी थी। तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट इतिहास यहाँ पर खत्म होता है और आगे बढ़ेंगे और आपके साथ साझा करेंगे आज का सुविचार। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की पूंजी है, ऐसा कहा था स्वामी विवेकानंद ने। बिल्कुल सही बात है दर्शकों, जब हम तरह तरह की बातें अपने दिमाग में रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग को एकाग्र होने से रोक लेते हैं अपने लक्ष्य की ओर। इसलिए जो आपका लक्ष्य है, जो आप करना चाहते हैं, पूर्ण तरह उस पर ही फोकस रहिए। और जो भी आपके ऐसे विचार हैं जिनका कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है आपके जीवन में, तो उन्हें कोशिश करिए कि वो आपके दिमाग में कम से कम रहें। तो बिल्कुल, अब इस विचार के बाद चलते हैं पर्यटन की ओर और देखते हैं कि आज पर्यटन सेगमेंट में हम आपको कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। निकल दिए करने दर्शन मांडरे की माता के। मांडरे की माता का यह प्राचीन मंदिर ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक द्वारा तकरीबन 135 वर्ष पूर्व कराया गया था। यहाँ देवी माँ की भव्य मूर्त महाकाली अष्टभुजा महिषासुर मर्दिनी के रूप में स्थापित है। यहाँ सुबह सुबह का नजारा मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। घंटों की ध्वनि, माँ के जयकारे
और मधुर भजनों को सुनकर स्थानीय वासी अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। नवरात्र में मांडरे की माता के दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सुबह से ही माँ के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। साथ ही भव्य मेले का भी आयोजन यहाँ किया जाता है। आसपास कई सारे अस्पताल भी हैं। यहाँ से रोगियों के परिजन आकर माँ से गुहार लगाते हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो भक्त आकर माँ के दरबार में घंटा भी चढ़ाते हैं। पंचकर्म यानी पांच कर्म, जिसे आयुर्वेद की विशिष्ट चिकित्सा पद्धति कहते हैं। इस विधि का प्रयोग शरीर को बीमारियों और कुपोषण द्वारा छोड़े गए विषैले पदार्थों से निर्मल करने के लिए किया जाता है। ये बहुत अच्छी चिकित्सा है आयुर्वेद की और खास तौर से पंचकर्म की। इसमें मेडिकेटेड एनीमा दिए जाते हैं। उसमें दो तरह के होते हैं, कभी ऑयल का दिया जाता है और कभी काढ़े का दिया जाता है इस तरह से। और एक नस्य होता है जो ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों में बताया गया, यानी अपने सिर के रोगों के लिए नस्य प्रक्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है। इस तरह से ऐसे ये पांच कर्म बताए गए हैं और इनका शरीर, अगर व्यक्ति हर समय समय पर अपने शरीर का प्रॉपर शोधन करता है तो उसको बीमारी ही नहीं हो सकती। इसलिए पंचकर्म हर रोग में बेहद कारगर साबित। आयुर्वेद के अनुसार जब हमारे शरीर में तीन तत्वों अर्थात वात पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है तब शरीर को कई तरह के रोग जकड़ लेते हैं और पंचकर्म चिकित्सा पद्धति के द्वारा इन्हीं तत्वों को संतुलित कर रोगी का उपचार किया जाता है। बस्ती एनिमा सभी पंचकर्म उपचार की जननी है क्योंकि यह सभी तीन दोषों वात पित्त और कफ द्वारा एकत्रित जीव विषों को मलाशय से बाहर निकालता है और इसमें औषधि युक्त एनिमा का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार पंचकर्म चिकित्सा पद्धति के द्वारा लाइलाज बीमारियों का उपचार बहुत ही कम खर्च में कम समय में किया जाता है, जिसमें गरीब तबके के लोगों के लिए भी संभव प्रयास सफल हो पाता है। तो दर्शकों, आज हम आपको पर्यटन पर लेकर गए थे ग्वालियर शहर और हमने देखा कि ग्वालियर शहर में क्या क्या खास तरह की गतिविधियां यानी एक्टिविटीज होती हैं। दर्शकों, कार्यक्रम नमस्कार एमपी की खास बातों में से एक बात यह है कि हम हर दिन के सेगमेंट में नमस्कार एमपी मतलब नमस्कार एमपी कार्यक्रम में आपके लिए पर्यटन सेगमेंट लेकर आते हैं। भला घूमना फिरना किसे पसंद नहीं होता है, घूमने से हमारा मन तरोताज़ा और दिल को खुशी मिलती है। बिल्कुल दर्शकों, और घूमना फिरना अगर आज के समय की हम बात करें तो ट्रैवलिंग का कितना चलन है, लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं आजकल ट्रैवलिंग में, घूमने में। और घूमने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी हम किसी जगह को घूमने जाते हैं, किसी प्रांत प्रदेश जाते हैं, तो हम वहाँ के इतिहास से, हम वहाँ की संस्कृति से, वहाँ की सभ्यता से रूबरू होते हैं, उसे करीब से देखने का हमें मौका मिलता है। और हम ये सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत पर्यटन स्थलों से भरपूर भरा हुआ है। और अगर बात करें तो दुनिया भर के लोगों की, दुनिया भर के पर्यटकों की भारत के पर्यटन स्थलों पर खास तौर से नज़र है। जी हाँ दर्शकों, और भारत के अलग अलग पर्यटन स्थलों के प्रति की प्रमुखता से उनका प्रमुखता को उजागर करने के लिए 25 जनवरी को
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, यानी कि आज के दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, जिसे हम नेशनल टूरिज्म डे भी बोलते हैं। तो दर्शकों, आज का हमारा यह विषय भी है, जी हाँ, हम इस विषय पर बात करेंगे और जानेंगे जो हमारा नेशनल टूरिज्म डे है, इसको अलग अलग पहलुओं से कि क्या महत्व है, क्या विशेषता है इसकी। और इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ, जी हाँ, एक खास अतिथि भी हैं, विषय विशेषज्ञ भी हैं, आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। मिस्टर विवेक श्रोत्रिय, जो एक IAS हैं। सर, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और सर, आप फिलहाल अपर प्रबंधक संचालक पद पर पदस्थ हैं MP टूरिज्म बोर्ड में, जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में। सर, बिल्कुल, बहुत पुनः आपका एक बार कार्यक्रम में स्वागत है। और दर्शकों, यहाँ पर आपको आज जो हमारे मेहमान हैं स्टूडियो में उपस्थित, तो उनसे भी मिलवा देते हैं। आलोक शुक्ल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप एक कला एवं शिल्पकार हैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आपका भी पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, तो आइए सबसे पहले विवेक सर से जानते हैं कि इस दिवस का महत्व क्या है। पहले तो मैं दूरदर्शन को धन्यवाद देता हूं कि आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के दिन आपने मुझे यहां पर आने का मौका दिया और दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया, धन्यवाद। देखिए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का महत्व किसी भी विशेष जो दिवस होते हैं हमारे यहाँ, उसी के अनुसार, जैसे कि कल 26 जनवरी है जी। और 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है जी। और गणतंत्र दिवस का महत्व होता है कि हम उन मूल्यों को याद करें, हम उस विजन को ध्यान में रखें कि जिसकी वजह से यह दिवस मनाया गया जी। इसी प्रकार से पर्यटन के लिए, पर्यटन एक ऐसी एक्टिविटी है जो केवल हमको एक सुख का अनुभव तो देती ही है। पर्यटन क्या होता है? पर्यटन बेसिकली लोगों को, व्यक्तियों को अपने जो जहाँ पर वो रहते हैं और काम करते हैं उससे हटकर एक दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ पर एक अच्छी सुखानुभूति लेने का मौका है। एक अच्छा मन में जाकर, चाहे वो हेरिटेज का काम हो, चाहे वो जंगल में हम देख रहे हों, या कोई प्राकृतिक सौंदर्य की चीज़ हो, या फिर हम एडवेंचर्स के बारे में काम कर रहे हों, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली हमको एक सुख की अनुभूति मन में देती हैं। तो व्यक्ति इस अनुभूति के लिए ही जीवन में काम कर रहा है। सरकार का काम ये रहता है कि ऐसे पर्यटक स्थलों में जहाँ पर कि लोग जाते हैं वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं करें, पहले लोगों को इसके बारे में जानकारी दें और वहाँ पर अनुभव के नए नए आयाम स्थापित करें। तो हमारे लिए भी अन्य दिवसों की तरह पर्यटन का जो आज का दिन है, उस दिन हम अपने उन मूल्यों को याद करते हैं, हम अपने उस विज़न को याद रखते हैं कि जिसकी वजह से पर्यटन एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी के रूप में स्थापित हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की जहाँ तक बात है, हम लोग पर्यटन में सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं कि जो पर्यटन, चूँकि एक आर्थिक एक्टिविटी भी है और रोज़गार का ये बहुत बड़ा साधन है, तो अधिक से अधिक पर्यटक मध्य प्रदेश में आएं और वो अपना जो स्पेंड करें, वो जो उसमें खर्च करें, वो अधिक से अधिक भारत मध्य प्रदेश के हमारे स्थानीय निवासियों को उसका लाभ मिले, तो ये भी हम लोग इसके लिए आज के दिन को याद करते हैं। और हम अपनी पूरी जो साल भर की हमारी कार्य योजना है कि हम किस तरह से पर्यटन को डील कर रहे हैं, आगे हम लोग किस तरह से इसको अप्रोच कर रहे हैं, उसका हम एक बार पुनर्विचार करते हैं और आगे के लिए तैयारी करते हैं। बिल्कुल, इस दिन का जो महत्व है, तो वो ये बोल सकते हैं दर्शकों कि जो पर्यटन स्थल है उनके प्रचार प्रसार के लिए मुख्यतः रूप से कार्य करते हैं, इस दिन का ये महत्व है। और दर्शकों, यहाँ पर आप सभी को मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगी कि नमस्कार MP जो कि आपका कार्यक्रम है, वो एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। जी हाँ, बिल्कुल, आप आज के हमारे जो विषय है उस पर सीधा अपना प्रश्न रख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी बात आप साझा करना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे फ़ोन नंबरों के माध्यम से आप कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपकी TV स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, साथ ही मैं भी आपको बता देती हूँ, 07-55-26-0049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी है, 1-800-233-0040। जी हाँ, तो बिल्कुल आप इन नंबर्स के माध्यम से हमसे बिल्कुल जुड़े और आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं और प्रश्न कर सकते हैं। सर, आपने अभी जिक्र किया था कि ये जो पर्यटन विभाग है, ये काफ़ी कुछ प्रयास करता है, तो मैं चाहूँगी कि जो पर्यटन विभाग है वो जो इसके प्रचार प्रसार के लिए जो कुछ खास तरह के कदम उठाता है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने बताया कि पर्यटन के कुछ वर्टिकल्स होते हैं,
कि जिन पर हम काम करते हैं, हमारे जो कुछ तो स्थापित पर्यटन केंद्र हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हम बात करें तो अगर हम हेरिटेज की बात करें तो हमारे पास खजुराहो है, हमारे पास यूनेस्को की 3 विश्व धरोहर की स्थान है जिसमें खजुराहो है, भीमबेटका है, हमारे पास सांची है। तो लोग अगर हेरिटेज देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाएं। इसके बाद मध्य प्रदेश में बहुत सारी नैसर्गिक संपदा है, वाइल्ड लाइफ है, हमारे पास करीबन 25 नेशनल पार्क हैं, 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। हम मध्य प्रदेश जो है वो पूरे भारत का सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे यहाँ पाए जाते हैं, हम टाइगर स्टेट हैं। सबसे ज़्यादा तेंदुए यानी कि लेपर्ड जो होते हैं वो भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश जो है वो भारत का लेपर्ड प्रदेश भी है। हमारे यहाँ 2 इस तरह के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो घड़ियाल से संबंधित हैं, तो हम क्रोकोडाइल स्टेट भी हैं। सबसे ज़्यादा गिद्ध भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो गिद्धों का वल्चर स्टेट भी मध्य प्रदेश है। और अब आपने सभी को जैसी जानकारी है कि कूनों में चीते का आगमन भी हो गया है, तो मध्य प्रदेश जो है वो चीते का स्टेट भी बन गया है। तो मध्य प्रदेश में किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो हमारे पास महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर है, चित्रकूट जैसा स्थान है, अमरकंटक है, बहुत सारे धार्मिक रूप से जो लोग जुड़े रहते हैं वो पर्यटक आना चाहते हैं, तो वो सारी संपदाएँ हमारे पास हैं। तो हम मध्य प्रदेश में फोकस करते हैं कि जब हमारे पास इतनी ज़्यादा टूरिज़्म को लेकर हमारे पास संपदाएं उपलब्ध हैं, तो हम पर्यटकों को अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से हम उनको डिफरेंट हमारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे उन सब लोगों को बाहर के ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी जो हमारे पर्यटक हैं उनको मध्य प्रदेश में आगमन करें, उसके लिए उनको प्रेरित करें। और जो मौजूदा हमारे पर्यटक स्थल हैं उसके अतिरिक्त भी जाकर हम नई वहाँ पर अनुभव क्रिएट करते हैं जी। तो मैं उसके बारे में आपको विस्तार में बताऊंगा कि जैसे हम जो हमारे मान लीजिए पचमढ़ी है तो हम उसके आसपास रूरल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिल्म टूरिज्म है मध्य प्रदेश जो है बहुत बड़ा, मतलब नेशनल लेवल पर उसको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला हुआ है, तो हम उसको भी हम यहाँ पर आकर्षित कर रहे हैं। और कई जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हमारा खजुराहो का फेस्टिवल होता है, मांडू एक हेरिटेज फेस्टिवल है, तो हम केवल ये नहीं चाहते कि पर्यटक वहाँ जाए तो केवल वहाँ की हेरिटेज बिल्डिंग को देखे, लेकिन वो उससे भी ऊपर के अनुभव ले सके। तो हम एक फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोकल फूड्स होते हैं, वहाँ पर हम लोग टेंट सिटीज़ लगा रहे हैं, तो इस प्रकार के आयोजन भी हम अलग अलग जगह कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जैसे हनुमंतिया एक है तो उसको हमने एक वाटर स्पोर्ट्स के रूप में डेवलप किया है। इसी 1 फरवरी से हमने गांधी सागर के में पहली बार मध्य प्रदेश में एक गांधी सागर में फ्लोटिंग फेस्टिवल हम लगा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा एक नया प्रकार का अनुभव होगा, तो वो हम शुरू कर रहे हैं। अब हमने मध्य प्रदेश में 5-6 और ऐसे नए केंद्र ढूंढे हैं जहाँ पर हम इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन कर रहे हैं, जैसे कि अटेर है, क्या कहते हैं, चंदेरी है, ओरछा है, तामिया है, बरगी डैम है, तो ये सब के लिए आज ही हमारे यहाँ से उसके टेंडर निकल रहे हैं, और हमें लगता है कि अक्टूबर में इन सभी जगहों पर आपको नई एक्टिविटीज़ के साथ, जहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होंगी, वहाँ की नैसर्गिक जो होती हैं, चाहे वो वायु से जुड़े हुए उद्यम हों या पानी पर चलने वाले अपने स्पोर्ट्स हों, तो सब जो जहाँ पर जो जिस तरह का हो सकता है उसको वहाँ के स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी होगी, स्थानीय भोजन होंगे, इस प्रकार का अनुभव लेने के लिए हम लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये हमारी एक अप्रोच है, इसके अलावा भी हम अनेक माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार करते हैं। जी सर, आपने जिक्र किया था वाइल्ड लाइफ का, तो सर जो नामीबिया से चीते लाए गए थे तो कितना अंतर देखने मिला पर्यटकों का वहाँ पर चीतों के आने के बाद? देखिए, जो चीते जो आए हैं वो लगभग 70 साल बाद भारत में आए हैं जी। और उनके लिए पहले तो उनका आना और उनको उस सिस्टम में एडॉप्ट होना जी। ये एक अभी बड़ा चैलेंज है, और उसको बड़ी सफलता से किया जा रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उनके इनिशिएटिव से मध्य प्रदेश को ये सौगात मिली हुई है। और जो कूनों का जो क्षेत्र है वहाँ पहले भी 1950 के पहले भी उस क्षेत्र में चीते रहते थे, इसलिए उस जगह पर उनको लाया गया है। और अभी तक का उनका जैसा प्रोग्रेस था उस तरह से वन विभाग उसमें कार्य कर रहा है। अब टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों को ये मालूम है कि शायद अगले 6 महीने में या 1 वर्ष में जब और चीते यहाँ पर आ जाएंगे और ये चीतों को खुला छोड़ दिया जाएगा और जब वहाँ पर सफारी स्टार्ट हो जाएंगी तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। हम वहाँ पर एक मास्टर प्लानिंग करा रहे हैं, श्योपुर और शिवपुरी हमारे 2 जिले हैं जिसमें कूनों के गेट पड़ते हैं, वहाँ पर हमने बहुत सारी शासकीय ज़मीनें टूरिज़्म विभाग को अलॉट करा दी हैं। हम वहाँ पर निवेशकों को आमंत्रण दे रहे हैं, निवेशक वहाँ पर आएंगे और अपने रिसॉर्ट्स बनाएं, वहाँ पर होटल्स बनाएं, ताकि जो लोग आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था हो,
फिर हम उसमें उन सबके सर्किट तैयार कर रहे हैं, रूरल टूरिज्म की एक्टिविटीज़ उसमें और किस तरह से समाविष्ट की जा सकती हैं उनको कर रहे हैं, हम होम स्टेज पर काम कर रहे हैं, वहाँ का जो लोकल कल्चर, वहाँ के लोकल संगीत, वहाँ का लोकल खान पान, वो कौन कौन लोग कर रहे हैं, ये पूरा एक मास्टर प्लानिंग के हिसाब से हम एक एडनरी इसकी तैयार कर रहे हैं। जी सर, जैसे कि हम हमारी क्लिप में देख सकते हैं, ये ग्वालियर की कुछ क्लिप है वहाँ के किले की। तो सर, ये जो ऐतिहासिक हमारी धरोहर है, इनके बारे में मैं चाहूँगी कि ऐतिहासिक धरोहर को लेके, क्योंकि आजकल देखा जाए तो लोग ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पे एक्टिविटी उन्हें करने मिले। आजकल लोग ऐसी जगहों पर, किले हो गए, ऐतिहासिक जगह हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा कम रुझान ले रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर पर्यटकों की भीड़ लगे या ज़्यादा से ज़्यादा उनको आकर्षित कर सके, तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस ओर? देखिए भाई, जैसा मैंने बताया कि लोग अनुभव लेना चाहते हैं टूरिज्म में, जैसे अपनी पांच इंद्रियां होती हैं, पांच इंद्रियां दृष्टि है जी, हमारा श्रवण है, सुगंध है, स्पर्श है और स्वाद है जी। ये पांचों की पांचों चीजें जहां मिलेगी जी, लोग वो सारे अनुभव लेना चाहते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपने ग्वालियर का उदाहरण दिया, तो ग्वालियर के अगर वो किले में जाना चाहता है, तो ग्वालियर का किला अगर उसकी थोड़ा सा इतिहास में रुचि है, अगर उसका स्थापत्य में रुचि है, उसको ये मालूम करना है कि पुराने समय में आज से 400 साल पहले कैसे लोग रहते थे, राजा लोग कैसे रहते थे, स्कल्पचर कैसा था जी, तो वो हम वहाँ पर शोकेस करते हैं जी। इसके साथ साथ इन चीज़ों को हम बाकी जो अनुभव हो रहे हैं जी, अगर वो जैसे आप ग्वालियर का ही फोर्ट करें, तो आप जैसे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर जैन मूर्तियाँ बनी हुई हैं, सूर्य, हाँ, तो उसको देख सकते हैं, उनको आसपास जहाँ पर अनुमति है, वो उन चीजों को छूकर देख सकते हैं। और सर, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ फॉरेनर विजिटर्स हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स मध्य प्रदेश में आते हैं जी। और हम लोग कोशिश करते हैं कि एक सर्किट बनाएं, अगर कोई जैसे हेरिटेज का सर्किट है तो ग्वालियर आएगा, ग्वालियर के बाद वो फिर हमारे यहाँ ओरछा जाते हैं, ओरछा के बाद वो खजुराहो जाते हैं, तो उस तरह के जो फॉरेनर्स हैं वो ग्वालियर से शुरू करते करते पूरा का पूरा जो हमारा जो एक एडनरी के हिसाब से सर्किट बना हुआ है हेरिटेज का, उस सभी का वो लाभ ले सकते हैं। तो हम इसमें फिर कोशिश करते हैं कि ना केवल वो हेरिटेज का आनंद उठाएं, पर हेरिटेज के साथ वो स्थानीय खान पान का भी लाभ लें, तो उनका जो मैंने जैसे बताया कि स्वाद इंद्रिय है वो उनको उसका लाभ मिले। अगर वो खजुराहो तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर एक संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, और यहाँ वहाँ नाट्य कार्यक्रम जो वहाँ का नृत्य का कार्यक्रम हो रहा है, तो उसका भी अगर वो लाभ लेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम इस प्रकार से करते हैं कि उनको एक से अधिक तरह के अनुभव उपलब्ध हो सकें, और इसी वजह से मध्य प्रदेश में टूरिज्म जी। सर, आपने अभी खजुराहो डांस फेस्टिवल की बात करी, तो जैसे कि हमें पता है कि वहाँ पर उस दौरान बहुत सारे तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपने जैसे कि अभी उदाहरण दिया था पांच इंद्रियां कि लोगों को स्वाद भी चाहिए, तो वहाँ पर डांस के साथ साथ फूड फेस्टिवल का उसको भी मर्ज किया गया है। स्वाद जो है मध्य प्रदेश का, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश को बोलते हैं इनक्रेडिबल हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हृदय प्रदेश है, और हृदय प्रदेश के मध्य में होने की वजह से ही नहीं कहते हैं कि केवल कि जैसे हृदय मध्य प्रदेश शरीर के दिल में होता है, संस्कृतियों का मिश्रण, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की कल्चर मिलेगी आपको, साउथ इंडियन भी मिल जाएंगे, बंगाल के लोग भी मिल जाएंगे, गुजराती भी मिल जाएंगे, तो भाषा भी हो, चाहे खान पान भी हो, चाहे पहनावा भी हो, ये सभी प्रकार का मिलता है। तो हम जब भी कोई भी फेस्टिवल करते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार की, अगर आप खजुराहो में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बुंदेलखंडी जो खान पान है, दाल बाटी है, वहाँ का बैगन का भरता है, या और भी वहाँ की चीज़ें हैं, तो वो उन सब का अगर आपको लाभ लेना हो, उनका स्वाद लेना हो, तो वो सब चीज़ें भी वहाँ पर लोगों को हम उपलब्ध कराते हैं। तो ये सब अनुभव है, और इस जैसा मैंने बार बार कहा कि इसको अलग अलग प्रकार के अनुभव हम वहाँ पर लोगों को देते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय संस्कृति है उसकी जानकारी लोगों को, दर्शकों को, और वहाँ के जो पर्यटक आ रहे हैं उनको उसकी जी बिल्कुल। और जैसे कि सर हम देख सकते हैं कुछ क्लिप्स हमारे पास हैं ढिंडोरी शहर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों आपकी ढिंडोरी अमरकंटक से मात्र 5 किलोमीटर मंदिर पर। और सर यहाँ पर जैसे कि मंदिर देखा, तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जो धार्मिक जो स्थल है, तो जो मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि हम उज्जैन की बात करें अगर, तो अभी हाल ही में उसकी रूपरेखा को बदला गया है, और रूपरेखा बदलने के बाद वहाँ पर जो अंतर देखने मिला है, वैसे तो महाकाल के लिए, महाकाल के दर्शन के लिए हमेशा वहाँ पर भीड़ उमड़ती है, लेकिन उसकी रूपरेखा बदलने के बाद लोग बड़े बहुत चाव से लोग जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए बदलाव है वो बहुत ही रोचक है, तो मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में भी कुछ दर्शकों को बताएं। देखिए उज्जैन जो है ये एक अद्भुत शहर है। सर हम आपसे इस जी बिल्कुल जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए थे लेकिन उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम हमारे जवाब को जारी रखते हैं सर जी। तो जैसा मैंने कहा है कि एक बहुत ही प्राचीन नगरी है उज्जैन,
और अवंतिका के नाम से इसको जाना जाता था। आज से ईसा से 600 साल पहले जो है तभी से ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो है उनकी संस्कृतियों का और जो वहाँ पर उस समय व्यापार होता था उसका वो केंद्र रहा है। उज्जैन के जो पुराने सिक्के मिलते हैं ना उसमें चार गोले के बीच में क्रॉस मिला है, इस तरह का हर सिक्के पे निशान होता था। और ये निशान इसीलिए होता था कि ये जो है भारू कच्छ से जो पाटलिपुत्र को जोड़ने वाला मार्ग है और एक उत्तर में जो हमारे महाजनपद होते थे उसको साउथ से जोड़ने के बीच का केंद्र उज्जैन होता था। और बाबा महाकाल वहाँ पर प्रतिष्ठित हैं ही और माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष उसमें उनकी रुचि से वहाँ पर महाकाल महालोक की कल्पना की गई है। और आप देखेंगे कि इस प्रकार का लोक वहाँ पर स्थापित किया गया, इतना अद्भुत वहाँ पर दृश्य है कि बाबा महाकाल का मंदिर और उससे पहले जो जितने भी हमारे पौराणिक और अन्य जो अपने ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें जो कहानियाँ लिखी गई हैं उनकी उसका सजीव विवरण वहाँ पर किया गया है। और इसका प्रभाव ये हुआ है कि पहले के दिनों में जहाँ से 25 से 50 हज़ार लोग उज्जैन का प्रतिदिन आते थे, अब पर्यटकों की संख्या 1.5 लाख रुपए। माफी चाहती हूँ आपको यहाँ पर रोकूंगी क्योंकि हमारे साथ प्रदीप साहू जी लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न रखें। जी जी प्रदीप जी अपना प्रश्न करें। जी आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी बिल्कुल हम आपको सुन सकते हैं, अपना प्रश्न करें। जी 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 विवेक सोती जी आईएएस टूरिज्म डिपार्टमेंट को उनको सबसे पहले मैं नववर्ष के शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू प्रदीप जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सामान्यता क्या होता है कि नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है और भी हेरिटेज है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का राज्य स्तर पर भोपाल में या कोई इम्पोर्टेंट इंदौर ग्वालियर या कहीं पर भी बॉटेनिकल गार्डन बनाने का कोई प्लान है क्या? क्योंकि आप देखिए कोलकाता में सबसे इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है, लखनऊ में भी बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है और भी अलग अलग स्टेट्स में बॉटेनिकल गार्डन है। बॉटेनिकल गार्डन एक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक इम्पोर्टेंट साइट हो सकता है, तो ऐसा कुछ बॉटेनिकल गार्डन बनाने की योजना है क्या सरकार की? जी धन्यवाद प्रदीप जी आपके प्रश्न के लिए और आपके सुझाव के लिए भी। देखिए मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि और आप खुद भी जानते हैं कि प्राकृतिक नेचुरल संपदा बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास सभी प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो बॉटनिकल गार्डन जो है वो छोटे रूप में तो पचमढ़ी में है और हम उस दिशा में काम कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ का जो अन्य हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसने भी कई प्रकार के बॉटनिकल गार्डन बनाए हुए हैं। मैं इस आपके क्रम में ये और बताना चाहता हूँ कि हम अभी मध्य प्रदेश टूरिज़्म में काम कर रहे हैं कि अलग अलग थीम बेस्ड कुछ म्यूज़ियम भी बनाएं बॉटनिकल गार्डन के साथ साथ। जैसे कि हमारा ग्वालियर है, ग्वालियर एक अपने आप में संगीत का शहर माना जाता है राजा मानसिंह के ज़माने से, तो ग्वालियर में हम एक संगीत का म्यूज़ियम बना रहे हैं। हम पन्ना में जो है वहाँ पर एक डायमंड म्यूज़ियम बना रहे हैं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तात्या टोपे जो हैं उनके जो म्यूज़ियम है वो हम लोग चंदेरी में स्थापित करने की बात कर रहे हैं। जीवाश्मों के लिए हम एक जबलपुर के पास लमेटा घाट है वहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाना चाह रहे हैं। तो हम अपने सीमित संसाधनों से नए नए प्रकार की चीज़ें जो मध्य प्रदेश में अभी तक उस तरह के अनुभव के रूप में नहीं थी उनको स्थापित करने का कोशिश कर रहे हैं। बॉटनिकल गार्डन के संबंध में जो आपका सुझाव है अभी विस्तृत रूप से कोई एक बड़ी योजना के रूप में तो नहीं है, लेकिन हम जरूर आपके सुझाव को सम्मिलित करते हुए या तो राज्य सरकार के संसाधनों से या फिर हम केंद्र से अनुरोध करेंगे और इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आने वाले समय में हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें बिल्कुल हम अपने पर्यटन स्थलों पर देख सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़। जैसे कि प्रदीप जी ने जो बात कही बिल्कुल ये एक सुझाव के तौर पर बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही थी। दर्शकों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ आज के मेहमान भी हैं, जी हाँ आलोक जी के पास चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले बता दूं कि क्या खास काम वो कर रहे हैं। दर्शकों जो हमारे घर में पेपर्स होते हैं उनका जब काम नहीं होता है क्योंकि वो आउट ऑफ डेट हो जाते हैं तो हम उन्हें रद्दी समझकर या तो फेंक देते हैं या तो फिर घर में किसी काम में उपयोग कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि इसे कुछ अलग तरीकों से भी उपयोग किया जा सकता है इको फ्रेंडली वे में? तो बिल्कुल जानते हैं कि किस तरह कुछ ऐसा ही कार्य कर रहे हैं आलोक जी, तो उनके काम के बारे में जानते हैं। आलोक जी एक बार पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत आभार आपका और स्टूडियो का भी बहुत बहुत आभार कि मेरे इस प्रयास को और आप लोगों ने जनता के सामने रखने का अवसर दिया।
तो और हम स्पेशली सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस को प्रमोट करते हैं। कबीरदास जी की एक बात थी कि जस की तस धरदीनी चदरिया, तो ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन है ना कि बूंद बूंद से घट भरता है, तो हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं। और जैसे कि रद्दी अखबार भी है, हालांकि ये तो बायोग्रेडेबल है, लेकिन फिर भी ये 2 से 6 सप्ताह लेता है ज़मीन के अंदर अपने आप को मिलाने में जी। तो हमने यही सोचा कि ये, और दूसरी चीज़ ये सर्व सुलभ है, आसानी से मिल सकता है कहीं भी, और इसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। फिर उसी थीम को लेकर के हमने ये अपने कुछ छात्रों का समूह बनाया और फिर हमने ये हस्तशिल्प बनाने का प्रयास शुरू किया। हम पिछले 6 सालों से इसका प्रयास कर रहे हैं जी। जैसे कि मैं देख सकती हूँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर जो आपने जो हैंडक्राफ्ट बनाए हुए हैं, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को भी दिखाएं। और देखिए यहाँ पे दर्शकों कितनी उपयोग की चीजें भी आलोक जी ने बनाई हुई है। जैसे कि मैं देख सकती हूँ पैन होल्डर है और यहाँ पर बहुत ही प्यारे गणेशी। आलोक जी प्लीज ये जो गणेशी और लक्ष्मी माता की जो मूर्ति है प्लीज उसे हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए दर्शकों, आलोक जी क्या ये भी वो पेपर से ही? जी जी बिल्कुल, ये न्यूज पेपर से बने हैं। और ये दर्शकों कोई सोच सकता है इसे देख कर की क्या ये न्यूज पेपर से बने, और मेरे ख्याल से ये काफी हल्के भी होंगे। जी बिल्कुल, ये वेटलेस हैं आप, ये बहुत ही, और सबसे बड़ी बात है कि ये गिराने पे टूटेंगे भी नहीं। देखिए कितनी, और अगर हम इन्हें नदियों में प्रवाहित करते हैं तो इनमें हमने इसको हार्ड बनाने के लिए चावल का आटा यूज किया है, बबूल का गोद यूज किया है, और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए नीम का तेल यूज किया है, नमक का प्रयोग हमने इसमें किया है, उसके साथ ही साथ इसमें हमने अखबार की लुगदी का प्रयोग किया है। तो ये नदी की तलहटी में जाकर के या तो खाद का काम करेगा, या फिर अगर ये गलेगा तो जो जलीय जीव जंतु है उसे अपना आहार बना सकते हैं, और इसे हम बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह का नुकसान ये हमारे पानी को, नदियों को नहीं पहुंचाने वाला, क्योंकि दर्शकों जैसे कि हम देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति है, जब गणेश उत्सव आता है तो वैसे तो आजकल बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, वो इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियाँ कोशिश करते हैं कि वो लेकर आए, ऐसी मूर्तियाँ जो केमिकल से ना बनाई गई हों, सो दैट हमारे जो हमारा जो वातावरण है, हमारी जो खासतौर से नदियाँ हैं, उनको नुकसान ना पहुँचे। और ये कितना अच्छा विकल्प है। और बिल्कुल सर, यहाँ पर विवेक सर मैं एक बात यहाँ पर साझा करना चाहूँगी कि जो पर्यटन स्थल है, हम वहाँ पर देखते हैं अक्सर ऐसे हैंडमेड चीज़ों की एग्जीबिशंस, एक खास तौर से मुख्यतः एक आकर्षण होती हैं पर्यटकों के लिए। तो आलोक जी क्या आप जो ऐसे टूरिज्म प्लेस होती हैं, टूरिस्ट प्लेस, तो वहाँ पर ये आप इनकी एग्जीबिशंस वगैरह भी डिस्प्ले करते हैं? जी मैं कहना चाहूँगा सर, और बहुत खुशी भी है मुझे आपसे ये बात शेयर करते हुए, आपके साथ मंच साझा करते हुए, कि हमें जो प्लेटफॉर्म मिला था, हमारा जो पहला मंच था वो हमारे स्टेट का पर्यटन भवन ही था। वहाँ पे हमने अपने लगभग 10 स्टूडेंट्स के साथ पहली एग्जीबिशन लगाई थी, और वहाँ पे स्टेट के लगभग सभी गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद थे, और हमारी रीता बहुगुणा जोशी मैम भी थी वहाँ पे, अनुपमा जसवाल मैम भी थी, उस समय वो शिक्षा मंत्री थी। तो उन्होंने, उनको ये वाला पेन स्टैंड जो है ये बहुत पसंद आया था, और स्पेशली उन्होंने इसके लिए हमें 50 पीसेस का ऑर्डर दिया था, और मेंशन भी किया था कि यार ये तो तेरा बड़ा अच्छा है, और हम हमारे जो विजिटर्स आएंगे इसमें हम उनको गिफ्ट करेंगे। तो ये हमारा पर्यटन से जुड़ा हुआ थोड़ा सा अनुभव है। उसके अलावा मैं अभी हाल में ही, कल समाप्त हुआ है सॉरी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, तो हम 2018 से उसका हिस्सा रहे हैं जी। तो हमें उसमें कई देश विदेश के भी लोग आते हैं, मोस्टली हर स्टेट से तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते ही हैं, तो वहाँ पे भी एक तरीके से ये हमारा जो स्टॉल होता है लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। कई बार हमारे पास लिमिटेड एडिशंस होते हैं, हम उन्हें मना भी कर देते हैं कि हम सेल नहीं करेंगे, तो हमसे वो ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करके अपनी डिमांड्स बताते हैं, स्टूडेंट्स उसको तैयार करते हैं, फिर हम उसको सेल करते हैं। विवेक सर एक बात मेरे मन में आ रही है कि अगर देखा जाए तो जो विदेशी यात्री, जो विदेशी फॉरनर्स विजिटर्स होते हैं खासतौर से, उनको बड़ी लुभाती है ये चीज़ है। तो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, हमने जो रूरल टूरिज्म का जो कार्यक्रम शुरू किया है जो कि पूरे देश में अनूठा है, उसमें जितनी भी हमारी नोन जो सब लोग जानते हैं ऐसी डेस्टिनेशन है उसके आसपास सबसे पहले हमने 100 गाँव लिए थे, अब उसमें ट्राइबल वाले 60 गांव और जुड़ गए हैं, तो लगभग 160 गांव में हम लोग रूरल टूरिज्म कर रहे हैं, जिसके मुख्य अवयव ये होते हैं कि एक तो हम वहाँ के लोगों को से होम स्टे बनवाते हैं ताकि लोग जो आएँ ग्राम में आएँ वहाँ के लोगों वहाँ रुकें,
और ग्रामीण एक्टिविटीज़ में शामिल हों, वहाँ के लोक गीत, वहाँ का खान पान लोकल, उन सब का लाभ लें। साथ ही साथ जिस प्रकार का आलोक जी ने ये चीज़ें बताई हैं, हमारा एक रिस्पॉन्सिबल सोविनियर कार्यक्रम भी चल रहा है। तो हर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की कुछ ना कुछ लोक कला होती है, कुछ हस्तकला उनको पास होती है जिसमें वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। हम उनको थोड़ा सा उनको टेक्निकल सपोर्ट दिलवा रहे हैं। तो हमने अभी खजुराहो के पास और पन्ना के पास दो गांव ऐसे हैं जहां पर रिस्पॉन्सिबल सोविनियर कार्यक्रम लिया हुआ है। तो वो जैसे मिट्टी के अगर टेराकोटा के प्रोजेक्ट बनाते थे तो उनको स्पेशली डिज़ाइन जो है वो बॉम्बे से एक टीम आती है, केवल ना केवल डिज़ाइन कराती है, ना केवल उनके प्रोडक्ट बनाते हैं, बल्कि उनके प्रोडक्ट को खरीदना और मार्केट करना, वो क्योंकि हर चीज़ के अंत में मार्केटिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो वो चीज़ हम इनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो आलोक जी को भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे ग्रामीण का जो कार्यक्रम है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का जो कार्यक्रम है, उससे वो जुड़ेंगे। इनके उत्पादों को हम ना केवल इनको हम प्रशिक्षक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकेंगे, बल्कि हम सोचेंगे कि जो ग्रामीण लोग बना रहे हैं उसका कुछ एक फॉरवर्ड लिंक बने, कुछ मार्केटिंग उसकी हो सके। तो मुझे लगता है कि आज की इस परिचर्चा के बाद शायद इसका भी कुछ जी और अगर देखा जाए तो पर्यटन विभाग एक तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। और जो आलोक जी जैसे जो क्राफ्टमैन हैं, जो अपने नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आगे आ रहे हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, इन लोगों को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट ये विभाग दे रहा है। आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो आइडिया है, ये बिल्कुल एक इनोवेटिव आइडिया है, ये कैसे आपके दिमाग में आया? क्योंकि पेपर को देखकर शायद ही हमें कुछ सूझे कि कुछ हम अपने उपयोग की चीज़ें भी बना सकते हैं। एक्चुअली मैं फाइन आर्ट का स्टूडेंट भी रहा हूँ जी, और फिर बाद में पढ़ाई के साथ साथ ही फिर मुझे बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ने का मौका मिला। तो बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ने का हमको मौका मिला तो वहाँ हम उनको एक साधारण पहले जो है कला का शिक्षण देते थे। फिर हमें लगा कि हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पास आउट होने के बाद इंडिपेंडेंट भी हो सकें, अर्थ पास आउट होने के बाद। तो हमने ये जो है आसपास उपलब्ध चीज़ों पे, पहले हमने बैम्बू पे काम करने के लिए सोचा था लेकिन उसकी बहुत उपलब्धता नहीं हो पाई और उससे हैंड्स वगैरह में कट लग जाते थे जी। फिर हमें लगा कि ये सबसे सॉफ्ट चीज़ है और इस पे हमें खर्चा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ये फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मुहिम आई की वेस्ट टू वेल्थ, तो हमने उसको भी फोकस में रखते हुए इसको टारगेट किया जी। बिल्कुल आलोक जी, मैं चाहूंगी कि जो भी आपके जो हैंडक्राफ्ट पीसेज हैं, बिल्कुल आप विवेक जी को भी एक एक करके वो दिखाएं कि आपने क्या क्या चीजें बनाई हैं पेपर का उपयोग करते हुए। सबसे पहले तो कल हमारा गणतंत्र दिवस आने वाला है जी। और ये हमारा पहला क्राफ्ट है जो हमने न्यूज पेपर से स्टार्ट किया था सर। ये हमारा, इसको हम पेन स्टैंड के मतलब पेपर बेड के तौर पे भी यूज करते हैं सर। इसमें जो होल है वो फ्लैग स्टैंड के तौर पे भी यूज करते हैं और अभी सडनली हमारे कुछ कस्टमर्स ने बताया कि वो उसे इंटेंस स्टिक होल्डर के तौर पर भी यूज कर रहे हैं। और सर ये हमारा जो है डेस्क ऑर्गेनाइजर है, इसमें हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। और ये पेन स्टैंड, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ सर, ये हमारा फ्लावर वेस है। और सर ये हमारा जो है ये टेबल कोस्टर्स हैं सर, न्यूज़पेपर के, ये लाइट वेट हैं और जी। और मैं वहाँ पीछे देख सकती हूँ कि कुछ ऑर्गेनाइजर पैटर्न पे भी आपने चीज रेडी करी है। ये बहुत देर से मैं इसे देख रही थी और दर्शकों ये पीस मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था, क्योंकि आप सोचिए इसको आप कितनी सारी छोटी छोटी चीजें रखने में उपयोग कर सकते हैं और वो देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। आपकी टेबल आपके कॉर्नर की शोभा भी बिल्कुल बढ़ाएगा। आलोक जी, जैसे कि आपने बताया था कि आप वर्कशॉप भी करते हैं, आप बच्चों को सिखाते भी हैं, तो अपनी उन वर्कशॉप के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। शुरुआत तो सबसे पहले मेरी मेरे विद्यालय से ही हुई थी, जहाँ पे हम सैटरडे को लगभग 10-15 बच्चों का ग्रुप बना करके पर सैटरडे हम उनको ट्रेन करते थे। उसके बाद फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिला और फिर मैंने जो है बीच में एक चीज मैं और एड ऑन करना चाहूंगा, हालांकि वो न्यूज़पेपर पर नहीं है बट हमारी वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। हमारे यहाँ की मुख्य विकास अधिकारी महोदया थी श्रीमती सरनीत कौर ब्रोका जी, तो उन्होंने मुझसे कहा आलोक तू इतने अच्छे काम कर रहा है, इतनी क्रिएटिव वर्क कर रहा है, तो क्या तू क्रोसिया से भी कुछ करा सकता है? वो वर्क तो हमारे अभी इधर उधर गायब हो जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैम बिल्कुल मैं प्रयास करता हूँ। तो हमने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से केवल सूती धागे से और क्रोसिए से राखियाँ बनवाई थी
और उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इवन मुझे मौका मिला खुद मुझे मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में ले जा करके प्रेजेंट करने का, तो उधर से उनका आशीर्वचन लेटर भी आया था। और जो भी हमने तैयार कराया था सर, विद इन टू डेज हमारी सारी सेल हो गई थी। उसके बाद फिर लगभग दीपावली के आसपास हम ये लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बनवाते हैं। और ये हमारा गुल्लक है, ये गुल्लक भी हम अक्सर बनवाते हैं दीपावली के आसपास। और फिर उसके बाद हम अभी रिसेंटली पिछली दीपावली पे हमने कारागार की महिला कैदियों के साथ वर्क किया। ये एक बहुत ही अच्छा कदम था जी। वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिला हमें। हमारी तत्कालीन जिलाधिकारी महोदया थी श्रीमती सौम्या अग्रवाल जी, तो उन्होंने कहा कि मतलब क्रिएटिविटी किल्स द नेगेटिविटी, तो हमने उसी थीम को आगे बढ़ाया और वहाँ पे हमने ये लक्ष्मी गणेश की, यानी आपके पास जो आइडियाज हैं वो तो हैं ही, और साथ में लोगों के आइडियाज, अगर किसी ने कोई बात कही है तो उनको भी आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आप अपनी क्रिएटिविटी में उन बातों का भी ध्यान रखें। बहुत अच्छी बात है विवेक जी, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, यहाँ पर बात निकली थी ग्रामीण क्षेत्रों की, अगर हम देखें कि जो पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए बढ़ाने के लिए जो भी कदम लिए जा रहे हैं, अगर कुछ एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो एक जो मुख्य एलिमेंट निकल कर आता है वो है कनेक्टिविटी। जैसे कि एक उदाहरण दूं कि पहले कटरा तक, यानी कि वैष्णो देवी जम्मू तवी की अगर हम बात करें, तो पहले वहाँ तक ट्रेन नहीं जाती थी, लेकिन अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कटरा तक ट्रेन जो चालू करी थी, तो वो एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड ही लोगों को बहुत आसानी हुई। तो कनेक्टिविटी, और आज के समय में अगर देखा जाए तो लोग काफ़ी सारी ऐसी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो बहुत ही कहीं अंदर बसी हुई है और कनेक्टिविटी वहाँ पर इतनी नहीं है, तो इसको लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू रहा है, और मध्य प्रदेश जो पहले टूरिज्म मैप में काफ़ी थोड़ा पीछे था, उसका कारण ये भी था कि इतनी ज़्यादा पर्यटन संभावनाएँ होने के बावजूद भी लोग सोचते थे कि कैसे पहुँचेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से कनेक्टिविटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मध्य प्रदेश की सड़कें जो थी, मुझे याद है जब हम लोगों ने नौकरी स्टार्ट की थी उस समय तो लोग बोलते थे कि जैसे ही सड़क खराब हो गई उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश माने तो समझ लीजिए मध्य प्रदेश शुरू हो गया है। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और अब मध्य प्रदेश की सड़कें विश्व की सबसे अच्छी सड़कों में से हैं। मध्य प्रदेश में आप कहीं भी जाना चाहेंगे अब वो चीज़ नहीं रह गई। हमारे पास देखिए, अगर इंटरनेशनल कोई आना चाहता है तो हमारे पास इंदौर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भोपाल में एयरपोर्ट है, खजुराहो में एयरपोर्ट है, जबलपुर में एयरपोर्ट है। ट्रेन के माध्यम से अगर हम खजुराहो जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, मध्य प्रदेश के हर कोने को टच कर सकते हैं। आप कहीं से भी भारत में, मध्य प्रदेश में किसी भी जगह पहुँचना चाहें तो आप एक घंटे की दूरी पर आप एक एयरपोर्ट पर पहुँच सकते हैं, और वहाँ से जितनी भी दूर आप जाना चाहते हैं, या तो रेल या फिर हमारे यहाँ अच्छे टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो आपको उसको उपलब्ध कराएंगे। तो मध्य प्रदेश में इन्हीं सब कारणों की वजह से कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली जो मोबिलिटी से रिलेटेड है, उसके लिए केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के प्रयासों से, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यय होता है इसमें, लेकिन अब चूँकि हमारे पास अच्छे संसाधन उपलब्ध हैं तो हमें सहयोग मिला है, और हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, सभी बहुत अच्छे तैयार हो गए। तो अब जो पहले जहाँ जाने में मुझे याद है कि इंदौर से उज्जैन जाने में ही 5 घंटे लगते थे, एक समय ऐसा था, लेकिन अब जो है इंदौर से भोपाल आने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, उज्जैन 1 घंटे की दूरी पर हो गया है। इसी प्रकार से ओंकारेश्वर है, या हम जबलपुर के आसपास वाइल्ड लाइफ देखना चाहें, तो अब कनेक्टिविटी उतना बड़ा इशू मध्य प्रदेश में नहीं रहा है। और इसमें एविएशन में पिछले कुछ दिनों में और भी बदलाव आए हैं और आने की दिशा में, हमको मालूम है कि अब इंटरनेशनल दुबई से सीधी फ्लाइट स्टार्ट हो ही गई है, बैंकॉक से फ्लाइट की बात अभी इन्वेस्टर मीट में हुई है। तो ये इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ये जो चारों केंद्र हैं अपने रीजनल जो हैं, वो सारे के सारे कनेक्ट हो रहे हैं नेशनली और इंटरनेशनली, और मुझे उम्मीद है कि कन्वर्जेंस के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जानकर कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से सीधे सभी और सभी डिपार्टमेंट्स को बिठाकर टूरिज्म के साथ इस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं कि कैसे सबका लाभ मिलकर टूरिज्म को, सेक्टर को दिया जा सके, ताकि टूरिज्म एक ऐसा चीज़ है कि आप शायद उद्योग में एक नई फैक्ट्री लगाएं तो हो सकता है कि कुछ दूसरे उद्योगों से श्रमिक निकल कर आएँ और इसमें काम करें, लेकिन अगर आप पचमढ़ी के पास एक गाँव में एक नया टूरिस्ट प्लेस कर देते हैं, अचानक से 100 नए लोगों को रोज़गार मिलता है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो ये बात सभी ने समझ ली है। इसीलिए ना केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार,
पूरे ग्लोबल लेवल पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग सभी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जाते हैं, मध्य प्रदेश का प्रचार प्रसार करते हैं कि वहाँ से लोग आएँ, लेकिन अभी एक पहल जो है वो केंद्र सरकार ने की है कि जितनी भी एम्बेसीज़ हैं पूरे दुनिया में उनसे हमारे सीधे कनेक्टिविटी बताई है, वो वहाँ के सारे टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट और टूरिज्म से रिलेटेड जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ वो बैठते हैं, इधर हम लोग बैठते हैं, हम उनको फेम टूर कराते हैं कि आप लाइए। तो हमारे पास अभी दक्षिण पूर्वी एशिया से कई कंट्रीज से लोग आए, तो वहाँ पर बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा है। अभी तक ये होता था कि हमारा जो टूरिस्ट है मध्य प्रदेश का या भारत का, वो बैंकॉक जाएगा, वो फिलीपींस जाएगा, वो इंडोनेशिया जाएगा। अब जो है हमको मालूम था ही कि बुद्धिज़्म का सबसे बड़ा केंद्र तो भारत है और हमारा सांची इतना बड़ा केंद्र है, तो हम लोग खुद वहाँ जाकर वहाँ के बुद्धिस्ट जो कार्यक्रम हुआ उसमें शामिल हुए, हमारी माननीय मंत्री जी भी मध्य प्रदेश की उसमें शामिल हुई और हम लोगों ने जाकर वहाँ के लोगों को आमंत्रित किया। तो पिछले दो महीने में ही 2-3 जत्थे अभी आकर सांची देख कर गए हैं। तो हम इंटरनेशनली लोगों को बुला रहे हैं और ये चीज़ ख़त्म कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है जो उसमें कोई दिक्कत है आने में, जितना उनका टाइम होता है ट्रैवल का वो टाइम अब उतना ज़्यादा नहीं रहा। अगर आप दिल्ली आते हैं या आप डायरेक्ट भी इंदौर आ सकते हैं, भोपाल आ सकते हैं और मध्य प्रदेश के चीज़ जी बिल्कुल, यानी कि दर्शकों हम विवेक जी की बातों से साफ साफ ये समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं टूरिज्म को उजागर करने के लिए, लोगों में इस टूरिज्म को लेकर जागरूकता लाने के लिए। सर आपने बात करी थी फिल्म शूटिंग की, तो जो फिल्म शूटिंग की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश है ये एक तरीके से फिल्म शूटिंग हब बनता जा रहा है, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ खास सुविधाएं जो भी फिल्म शूटिंग करने आते हैं कुछ उनको खास सुविधाएं दी जाती हैं? बिल्कुल, फिल्म के बारे में मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा दर्शकों को जी कि मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का नेशनल अवार्ड 2 बार मिला है, एक बार अभी इसी साल दिया गया है और 3 साल पहले भी दिया गया था, और मध्य प्रदेश ऐसा पुरस्कार पाने वाला पहला राज्य है। और उसका कारण क्या है, जो फिल्म फ्रेटर्निटी है, जो फिल्म से जुड़े हुए प्रोडक्शन से लोग जो जुड़े हुए रहते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी चाहत ये होती है कि हमको एक खूबसूरत लोकेशंस मिले। मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको शहर चाहिए हो तो भारत का सबसे स्वच्छतम शहर जो है इंदौर है, अगर पूरा स्वच्छतम स्टेट की बात करें तो वो मध्य प्रदेश है। जब भोपाल भी हमारे टॉप 10 में हमेशा रहता है, तो हमारे पास शहर भी है, हमारे पास ग्रामीण लोकेशन एक से एक है। अभी आप देखेंगे कि एक बहुत सीरियल जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है पंचायत, वो केवल सीहोर में फिल्माया गया है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के आसपास जो है एक से एक वाइल्ड लाइफ आपको चाहिए हो तो वो मिल जाएगा। धार्मिक पर अगर जगह है तो महेश्वर आपको देखना हो, ओरछा है, ये सब फिल्मों में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग हो रही है। मेरा कहने का मतलब है कि लोकेशन वाइज मध्य प्रदेश में अमेजिंग पोटेंशियल है और फिल्मकार उसको महसूस कर रहे हैं। फिर दूसरी बात होती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि वो यहाँ पर आए तो किसी को परेशानी ना हो। फिल्म प्रोड्यूसर ये नहीं चाहता कि वो आए और फिर पता चला उसने शूटिंग फिक्स कर ली हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठाना पड़ता है। कई फिल्मकारों की डेट आज की है, किसी की कल की है, तो सब अगर उन्हें सेटअप कर लिया और पता चला कि परमिशन नहीं हो रही है, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें एक दिन आप अप्लाई करेंगे, और हमने अपने कानून में, मध्य प्रदेश में पूरे भारत में इकलौता राज्य है जिसने अपने कानून में ये व्यवस्था कर रखी है कि उसमें गारंटी है कि 15 दिन के अंदर आपको परमिशन मान ली दे दी जाएगी, नहीं तो उसको डीम्ड मान लिया जाएगा। तो वह बस उसको बॉम्बे में बैठकर अप्लाई करना है, इस तारीख को मुझे चंदेरी में शूटिंग चाहिए, इस तारीख में यहाँ पर शूटिंग चाहिए, परमिशन 15 दिन के अंदर उसको मिल जाती है, और यह प्रैक्टिकली भी मिल रही है। फिर तीसरा पार्ट होता है इंसेंटिव देने का। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड जो है, अगर आप मध्य प्रदेश में 50% फिल्मों की शूटिंग, अपनी फिल्म की शूटिंग का 50% हिस्सा या उससे अधिक मध्य प्रदेश में करते हैं तो हम उसमें काफ़ी इंसेंटिव देते हैं। पहली फिल्म अगर किसी फिल्मकार की है, और मुझे राज्यों का नहीं मालूम, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो पहली फिल्म से ही आपको शूटिंग पर 1 करोड़ रुपये तक का इंसेंटिव देता है। अगर 75% शूटिंग आप कर रहे हैं तो 1.5 करोड़ तक हो जाता है। दूसरी फिल्म है तो ये राशि और बढ़ जाती है, तीसरी फिल्म के लिए और बढ़ जाती है। आप मध्य प्रदेश के कलाकारों को अपनी फिल्म में अगर रख रहे हैं तो हम उसमें 30-35 लाख रुपए का और इंसेंटिव देते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हैं, और इन सबको करने के पीछे हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो बहुत अनुकूल है, उसमें कहीं किसी को परेशानी नहीं होती। फिल्म कंप्लीट हुई, कलेक्टर के सबके सर्टिफिकेट देखते हैं, हमारी एक फिल्म फैसिलिटेशन सेंटर सेल है उसमें हम लोग देखते हैं, विद इन 45 डेज हम लोग सब्सिडी देते हैं जी। तो ये सब चीज़ें जब प्रोड्यूसर्स को मिल रही हैं तो हमारे पास ढेर सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और इतना अच्छा सिस्टम है कि हमको मालूम ही नहीं कितनी शूटिंग चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको आके कोई हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है,
आप आइए, उसने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो फिर कहीं ओरछा में चल रही है, कहीं पर कोई जबलपुर के आसपास चल रही है, कहीं महेश्वर में चल रही है, तो फिल्म की शूटिंग्स बहुत अच्छी चल रही हैं और मध्य प्रदेश में फिल्म शूटिंग करना बहुत आसान और सस्ता भी पड़ता है। हमारे पास स्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, हमारे पास कलाकार बहुत ज़्यादा है, टेक्निकल स्टाफ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये सारा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो बहुत फिल्म फ्रेंडली है, इसका लाभ मध्य प्रदेश को। विभाग द्वारा पूरी कोशिश करी गई है कि जो ये प्रोसेस है, जो ये पूरा ट्रैक है, उसे बहुत ईजी रखा जाए ताकि आसानी से उनको वो अपने कार्य कर सके। बिल्कुल आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने जैसे कि जिक्र किया था कि ये अलग अलग थीम पर भी आप अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी थीम है जिन पर आपने प्रोडक्ट्स डेवलप किए? सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया, हम अंग्रेजी माह से ही शुरू करते हैं, जनवरी से, तो हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के थीम पे बनाते हैं। उसके बाद फिर हमारे फेस्टिव थीम्स की, जैसे कि होली, दीपावली या फिर बीज रक्षाबंधन, ये चार ऐसे त्यौहार हैं कि जिनसे हमारी थीम्स बिल्कुल जुड़ी हुई हैं और हम थोड़ा सा रिसर्च करके और इनोवेशन अपनी चीज़ों में लेकर के आते हैं। जैसे ये गुल्लक है, तो इसी गुल्लक को अगर हमने डबल लेयर पे लिया हुआ है तो ये गुल्लक बन जाता है। हम इसको थोड़ा सा अंदर टिल्ट करके इसको हम खोलने बंद जैसा भी बना देते हैं तो वो गुलाल रखने के काम में आ जाता है। और फिर बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाते हैं हम लोग त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि लोकल जो मेले होते हैं उसमें हमारे लोकल कस्टमर्स ही होते हैं जो, तो उन्हें अपनी संस्कृति, अपने त्योहारों से जुड़ी हुई चीजें लेकर के जाना बहुत पसंद होता है। तो हमारी थीम, आलोक जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने जो थीम्स हैं इसमें थोड़े से हेरिटेज से संबंधित चीजें भी कर सकते हैं। जैसे आपका, मैं ये वाला देख रहा था प्रोडक्ट जी, तो इस तरह का जैसे हमारा सांची का गेट है जी जी, आप उस पर इंस्पायर्ड भी वही से हाँ, तो आप उसको उसको, उसको 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 बनाइए, आप जी, जी। सांची स्तूपा बनाइए या ऐसी चीजें जो ऐसे सोविनियर जो मध्य प्रदेश के किसी स्ट्रक्चर का जो अपना हेरिटेज का उसको प्रतिनिधित्व करते हैं सर, ये उनको भी आप बना के लाइए। मतलब समय अभाव के कारण हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सके, लेकिन ये जरूर हमने था सर। हमने कुछ और भी पेन स्टैंड बनाए थे, इसमें हमने यहाँ की केप पेंटिंग्स को उकेरा था, उनको हमने जो है जूट ट्वाइन के थ्रू उकेरा था, और कोणार्क का सर जो मेन सर्कल है उसके आधार पर भी हमने क्राफ्ट बनाया था टेबल कोस्टर का, तो वो लिमिटेड ही बना था बट वो सेल हो गया, तो राइट नाउ आई कांट प्रेजेंट हियर। बढ़िया जी, बिल्कुल सर। यहाँ पर विवेक सर, मैं कहना चाहूँगी कि जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो ये सारी चीज़ें उन्हें लुभाती ही हैं, और पूरी कोशिश करी जा रही है कि जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को प्रदर्शित किया जाए ताकि वो उन्हें खरीदे भी। और मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, और उसके और वो उस तरफ क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जैसा मैं पर्यटन के बारे में तो काफ़ी कुछ बता ही चुका हूँ जी, पर्यटक विदेशी जो पर्यटक होता है जी, तो अगर हम उसको कोई नगरीय अनुभव कराना चाहें तो वो तो उसके यहाँ पहले से ही है जी, बिल्कुल, तो वो उसको उसकी रुचि उसमें थोड़ी सी कम होती है जी। तो जो मध्य इंडिया में जो लोग आते हैं वो जनरली आते हैं एक स्पिरिचुअल अनुभव लेने के लिए, योगा में, तो मध्य प्रदेश में हम लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म को भी हम लोग बहुत उस पर हमारी प्राथमिकता में है। योगा है, वेलनेस है जी, उसके बारे में हम लोग अपने टूरिस्ट प्लेसेस में हम फैसिलिटीज दे रहे हैं जी। तो जनरली लोग वेलनेस की बात कर रहे हैं, अभी अभी हम लोग पिछले 2-3 सालों में सबने कोविड को झेला है, बर्दाश्त किया है, तो अब लोग चाहते हैं कि नहीं, शरीर स्वस्थ रहे, तो योगा और स्पा और मसाज, ये सब चीज़ें जो वो तो होती हैं, हमने इससे इसको और आगे बढ़ाते हुए, हमारे यहाँ इतना बड़ा ज्ञान का, अध्यात्म का केंद्र है, तो और हमारे पास इतने ज़्यादा सेंटर हैं, जैसा मैंने बताया कि रिलीजियस सेंटर्स जो हैं, तो यहाँ पर जो विदेशी पर्यटकों का विशेष रूप से रुझान देखा जा रहा है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर आएं और जो है अपनी वेलनेस को उस लेवल पर, कि शारीरिक रूप से तो उनको यहाँ पर वेलनेस के का अनुभव हो ही, लेकिन वो स्पिरिचुअली भी अगर आप और ज़्यादा कंटेनमेंट और ज़्यादा शांति की तलाश में हों तो वो यहाँ पर आ सकते हैं और उसका लाभ लें। तो हमारे जो मध्य प्रदेश टूरिज्म के जो कॉरपोरेशन के जो हमारे होटल्स हैं वहाँ पर हमने इन सब की व्यवस्था कर रखी हुई है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि विदेशी पर्यटक को उस तरफ रुझान लाया जा सके जी। सर, क्योंकि समय की समय में और इजाज़त नहीं दे रहा है हमारी बातचीत को आगे ले जाने के लिए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
अपना समय देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में, और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपको और सभी दूरदर्शन की सारी टीम को बहुत बहुत जी। और आलोक जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स कार्यक्रम में लाने के लिए, हमारे दर्शकों को उन्हें दिखाने के लिए। और एक ये इनोवेटिव आइडिया भी है कि जो भी हम जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाते हैं, तो अब कहीं ना कहीं जो भी आज का कार्यक्रम देख रहे हैं दर्शक, उनके कहीं ना कहीं दिमाग में ज़रूर बात आएगी कि अगर हम पेन होल्डर खरीद रहे हैं तो हम पेपर से बना हुआ पेन होल्डर खरीदें और प्रकृति को बचाने में कुछ योगदान दें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम लाने के लिए। पूरी टीम का बिल्कुल दर्शकों, हमारे भारत की संस्कृति को, हमारी प्राकृतिक धरोहर को और करीब से देखने के लिए, जानने के लिए बिल्कुल आप अपने परिजनों के साथ घूमने बिल्कुल निकलें और योगदान दें। चलिए तो आज के लिए इतना ही कार्यक्रम में, अगले अंक में आपसे फिर मिलना होगा, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।